हमार विंध स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल एकेडमी रीवा। नमस्कार भैया बहनिया, प्रपंच देख रहे हैं विराट के बखेली बुलेटिन पूजा के संगे। रीवा जिला माही नगरी निकाय चुनाव के पहल चरण के मतगणना के परिणाम आज आए गए। जोने माही मऊगंज नगर परिषद माही भाजपा के कब्जा बराबर बना है। यहाँ बीजेपी के 9 पार्षद जीत के आए हैं, जबकि कांग्रेस के 4 प्रत्याशीन का जीत नसीब भई है। एक साथ है दूठे निर्दलीय उम्मीदवार घलाए परिषद मापन उपस्थिति दर्ज कराई है। 17 जुलाई का आए परिणामन माही कांग्रेस आज को आए परिणामन माही हनुमान नगर परिषद में बड़ा उलटफेर भा, जहां कांग्रेस के एक तरफा जीत मिली है। वहां 15 वार्डन वाले नगर परिषद माही 8 कांग्रेस पार्षद जीत के पहुंचे। एक साथ 5 ठे निर्दलीय उम्मीदवार घलाए भाजपा का पछाड़ के अपन उपस्थिति दर्ज कराई है, जैसे बीजेपी खसक के 3रे नंबर में पहुंची गई है। वहां एक के बाद भाजपा का मात्र 2 सीटन में संतोष करे पड़ा। बात करी नई गढ़ी के, नई गढ़ी में ही बीजेपी बहुमत से 1 ठे कदम दूर रही गए। यहाँ कसमकस भरे मुकाबला में ही भाजपा का 7 ठे सीट मिली है, जबकि बसपा 3 सीटन के साथ 2रे नंबर में है। कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवारन का खाली 2-2 ठे पार्षद पद के सीट मिली है। पहल दर की बिंध माही नई गढ़ी नगर परिषद से आम आदमी पार्टी अपन उपस्थिति दर्ज कराई के वार्ड क्रमांक 3 के छविलाल प्रजापति आप पार्टी के पहल पार्षद मिले हम। आपका रजनी सुख राजू, पिता सीताराम। कौन वार्ड से जीते हैं आप? वार्ड नंबर 6 से। कितने वोट से? 1 वोट से। मतदाताओं के लिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मतदाताओं के लिए सूचना देना चाहते हैं, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, एनी टाइम हम 5 साल के लिए उन्हीं के लिए बने हैं। अध्यक्ष बन पाएंगे? देखिए, ये नगर परिषद हनुमाना नगर पंचायत का चुनाव है। यहाँ व्यक्ति के कारणों, व्यक्ति के काम के काम की रूपरेखा को देखा जाता है। और दल ठीक है, दल तो है, परंतु जो निर्दलीय हो या किसी और दल से हो, वो भी व्यक्ति इसी नगर पंचायत से आएंगे। और आज मतलब और वह बात करी हनुमाना नगर परिषद में ही, तो वहाँ के कांग्रेस पार्टी का मिली जोरदार जीत और जश्न के माहौल के बीच कांग्रेस प्रत्याशी के हार के बाद हार्ट अटैक की खबर कांग्रेस का गमगीन कैदीन। अपना को बताए दी के वार्ड क्रमांक 9 से हरिनारायण गुप्ता कांग्रेस के टिकट माही चुनाव मैदान में रहे हम। जे निर्दलीय प्रत्याशी अखिलेश गुप्ता से मात्र 14 वोट से हार गए। हार की यह सदमा प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं कर पाए और हरिनारायण गुप्ता के मौत हो गए। बतावा जाता है कि हरिनारायण गुप्ता विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के बहुत करीबी आही है। कांग्रेस पार्टी के हनुमाना मंडलम के अध्यक्ष और नगर के राजनीति माही पैठ बनाए रहे हम। एक हार्ट अटैक का मामला आया है हनुमाना अस्पताल में, एक्सपायर हो गए हैं, क्या आपके मामले थे? जी, हरिनारायण गुप्ता जी आए थे, जो कि 9:30 बजे सुबह 9:30 बजे आए थे। जिनको चेस्ट पेन था, इनको प्राथमिक ट्रीटमेंट दे के रेफर कर दिया गया। थाना हनुमाना अंतर्गत हरिनारायण गुप्ता, उम्र लगभग 45 वर्ष, वार्ड क्रमांक 8 के निवासी थे और जो कांग्रेस पार्टी के वार्ड क्रमांक 9 के प्रत्याशी थे। आज गणना स्थल पर लगभग 10 बजे उनकी तबीयत खराब हुई और वहां से वो स्वयं हॉस्पिटल गए और वहां पे लगभग 12:30 बजे उनको हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। रीवा माही नगरी निकाय चुनाव का ईवीएम से कराए के वीवीपैट के उपयोग न करे के कारण समाजवादी जन परिषद के नेता अजय खरे बड़ा सवाल खड़ा करी नहीं है। अपना का बताए दी कि सुप्रीम कोर्ट की आदेश रहा है कि जहां जहां ईवीएम मशीन के इस्तेमाल कीन जाई वहां मतदातन का संतुष्ट कराए के लाने वीवीपैट के घला इस्तेमाल कीन जाई। पाए ए साल नगरी निकाय चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल नहीं कीनगा, जोने के चलते मतदाता उस समाज से भी अब सवाल उठाओ शुरू कर दी नहीं। आई अपनों को सुनाई थे सलगा मामला माही समाज सेवी अजय खरे का कहिन और अपनों का यह सुनाओ के ए मामला माही पर्यवेक्षक आर गगर कर का जवाब दे रहे हम। है चुनाव आयोग है, इसको देना पड़ेगा, लोगों की कहीं ना कहीं मन में संदेह होगा इस चुनाव प्रणाली को लेकर। ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और इस पर गौर किया जाना चाहिए। जो कुछ हुआ ये अच्छा नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्टों के निर्देशों की अवहेलना हुई है, जिसका हम विरोध करते हैं कि इस ढंग से सुप्रीम कोर्ट का निर्देशों का पालन होना चाहिए। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने ये बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। रामानंद पांडे बोल रहा हूँ, विराट 24 न्यूज चैनल से। हाँ जी बोलिए सर। ये जानना चाह रहा था कि इस जो चुनाव हुआ सर, इसमें वीवीपैट का उपयोग नहीं किया गया, तो सर क्या कारण था? क्या जो वीवीपैट लगाते हैं, जो मशीन लगाई जाती थी कि हमारा वोट किस में पड़ा, एक मशीन लगती थी ना तो उसमें आ जाता था वीवीपैट, किसने मशीन लगाई, तो अब की बार नहीं लगी थी सर ये नगरी निकाय चुनाव में? हाँ तो सर क्या कारण होगी इनके पास?
इनके पास व्यवस्था नहीं होगी तो व्यवस्था नहीं थी कलेक्टर पर प्रशासन के पास नहीं नहीं यहाँ पे यहाँ कहाँ नहीं लगी ये कहीं नहीं लगी थी सर रीवा में कहाँ के बात कर रहे हैं शहर में रीवा नगर निगम में शहर में तो रीवा नगर में क्यों लगेगी कहाँ के लिए लगाना है तो नियम नहीं था क्या सर इसका लगाने का वीवीपैट का कहाँ का लगाने का बताओ ना किस बात के लिए चुनाव में मतदाता को ये पता चल जाए कि हमारा वोट इसी में पड़ा इसके लिए लगाई जाती थी नहीं नहीं वो कहीं यहाँ पहले भी लगी अब भी नहीं लगी ऐसा कोई प्रावधान नहीं रीवा जिला के देवतला विधानसभा के मैरहा गांव के रहने वाले राहुल कुमार के चयन देश के सर्वोच्च संस्था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर के पद में भाभा अपना का बताई दी कि उनके चयन से जिला के साथ साथ प्रदेश गौरव के अनुभव कर रहा है अपना बताई दी कि राहुल कुमार इस समय में ही रीवा के वार्ड क्रमांक 9 में विभीषण नगर में रहा था वहीं अपने चयन के सलगा श्रेय वो अपने माता पिता के साथ अपने चाचा का दीन ही बे जे उनकर शिक्षा माँ उनकर मदद करी इसकी तैयारी मैंने सेल्फ स्टडी से की और फ्रेंड्स के उससे मदद से कुछ दो फ्रेंड्स हैं जिनका नाम धीरेन्द्र मिश्रा और ज्ञानेन्द्र सिंह दोनों ने मेरा पूरा सहयोग दिया है इस पूरी परीक्षा के परिणाम तक इसमें आप किसका श्रेय मानते हैं किसके कारण माने आप इसके मैं कई लोगों को श्रेय देना चाहूँगा जैसे कि मेरे चाचा जी हो गए और मेरे बब्बा जी और पापा मम्मी और सभी मेरे परिवार और साथ ही मेरे दोस्त हैं जिन्होंने मेरा अंतिम तक साथ दिया है माता पिता का क्या सहयोग रहा आपके माता पिता का पूरी तरह सहयोग रहा जैसे कि जहां मुझे सपोर्ट मिल चाहिए कभी उन्होंने ये चीज़ फोर्स नहीं किया कि तुम्हें यही चीज़ करना है या फिर तुम्हें जो करना है वही मतलब कि और अब बात करी थी रीवा के मनीगांव से जहाँ के मलकपुर तालाब में ही कुछ दिन पहले दुईठे गाय मरी हालत में मिली रही हमें जनकर हत्या के आशंका जताए के हिंदुवादी संगठन आज मनगवा का बंद कर दी नहीं भाई मौका में ही मनगवा के एसडीएम भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे प्रदर्शनकारी के यह कहा भवाई के गायन के हत्या की गई है जौने के निष्पक्ष जांच हो चाहिए और दोषी के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए चाहिए सारे लोग पंक्तिबद्ध होकर और बस्ती की तरफ चलना है मैंने ध्यान से सुनिए इसके बात बोलिए नगर निगम के 3 दशक के विकास के काम चंद मिनटन के बारिश में ही सड़क में आएगा अपना का बता दे कि हालांकि पहले बेर ऐसा नहीं भाया कि बारिश से सड़क में पानी भरेगा हो पर मात्र आधा घंटा के बारिश में ही सिरमौर चौराहा धोबिया टंकी रसिया मोहल्ला के साथ कई अट्ठे वार्डन में ही नालिन के पानी रोड में बहियाबा बुलेटिन में इतने बघेली में खबर खातिर देखा त्रिमारविंद के बघेली समाचार नमस्कार।